तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एनआईटीएंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया हुआ है? द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉर्न इज 10.5 सेंटीमीटर। कॉर्न कैसा होता है? ऐसा होता है। इसका डायमीटर मतलब ये वाली पूरी दे दी अपने को 10.5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या है? एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को क्या लिखते हैं? आर। स्लैंट हाइट कौन सी होती है? जो ये वाली हाइट होती है ना, स्लैंट हाइट होती है और ये वाली होती है, वो हाइट होती है। स्लैंट हाइट दी हुई अपने को 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कॉर्न का क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, पाई आर एल होता है। इसको एल लिखते हैं, एल भी लिखते हैं। ठीक है, तो डायमीटर 10.5 है, तो आर कितनी हो जाएगी? 10.5 अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे पाई आर एल की, 22/7 इंटू आर आ गया। 10.5 अपॉन 2 इंटू एल है अपना 10। ये कट हो गया, 2 की टेबल बचा 5। इसको अपन ने आगे सॉल्व किया तो अपना मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया है, यही अपन से पूछा था। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।